दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी लापता है, ड्राइवर की लापरवाही है और जैसे वहां से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहां रहे थे, वो ईद की छुट्टी है, वो कहां बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है, ईश्वर से यही प्रार्थना में उनके ऐसी घटना और कभी ना घटे, दुखद घटना। सर जैसे भी आरोप उनके परिवार जनों से में हमारे साथ अपनी पुती है और उनसे जो भी हमारे से होगा तो उसके साथ उनकी सेवा करेंगे। आपने भी कहा कि सर आज सवाल खड़ा होता है छुट्टी दिन का, स्कूल की भी जांच होनी चाहिए सर, पूरे प्रशासनिक लेवल पे इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा ना जांच पूरी तरह होनी चाहिए कि भाई आज छुट्टी वाले दिन कहां जा रहे थे बच्चे, क्यों जा रहे थे, कई सवाल होते हैं, उन सब सवालों का जांच से ही पता लगेगा। लेकिन बहुत ही अति दुखद घटना है। सर सरकार ने जांच के आदेश दिए लेकिन लगातार देखा जाता है कि जो नियम कानून है उनकी भी उल्लंघना जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है सर। तो उसका तो ये है भाई, जुडिशियल इंक्वायरी करा। सर क्या कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए आगे कि कौन लोगों को हायर किया जाए ड्राइवर के पोस्ट पर या कौन? नहीं, वो तो लॉ है ही, मतलब ये थोड़ा ये कोई भी शराब पी के बस नहीं चला सकता और उसका लाइसेंस होना चाहिए, हैवी का लाइसेंस होना चाहिए, थाल नहीं था मेरे को मालूम नहीं कौन था ये क्या था। तो ये स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे चुस्त और दुरुस्त ड्राइवर रखें।